ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कड़ी जोड़ी हुई है, हमने पहले मैंने बनाई दोनों गाड़ियों की वेन्यू के साथ XUV300 की, आज बना रहा हूँ इसके साथ सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की वेन्यू के साथ ब्रेज़ा की। हैप्पी दिवाली लेट वाली किसी फिल्म का डायलॉग है, किसी को याद आए तो बता देना मेरे को। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिवाली मनाई हुंडई ने वेन्यू को लाके सबसे लेट आई वेन्यू और अच्छी खासी दिवाली मनाई। अब आलम यह है कि XUV300 चलो अब के दौर में थोड़ी सी फिगर का फ़र्क है, कुछ 4 या 5 यूनिट्स ही ज़्यादा बिकी हैं मई के अंदर इसकी, लेकिन कामयाब गाड़ियों के अंदर दूसरे नंबर पर गाड़ी अभी भी हुंडई वेन्यू ही है। उसके क्या कारण है, या एक सबसे बड़ी बात कि ब्रेज़ा पीछे छोड़ दी इसने, क्या ब्रेज़ा अभी बहुत पीछे हो गई है या फिर ब्रेज़ा अभी भी एक दमदार कंटेंडर है। वैसे तो मारुति सुजुकी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, तो क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो पीछे हो गई या अभी भी बहुत बड़ी प्रबल दावेदार है कि मैं नंबर वन पे हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में शुरू, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ब्रेज़ा को कभी भी दो संस्करण नहीं मिल पाए पेट्रोल डीजल दोनों के ही, कभी उसको अकेला डीजल का मिला, अब उसको अकेला पेट्रोल का मिला। जैसे कि मारुति सुजुकी ने ट्रेंड पकड़ लिया है कि सभी कारें उनकी पेट्रोल और CNG के अंदर आ रही हैं, दूसरी कार नहीं आ रही, डीजल के अंदर कोई कार नहीं है उनकी। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ही बचा है, और वहीं पे अगर हम देखें हुंडई की तरफ तो वेन्यू के पास हमें 1.0 लीटर का इंजन भी है, 1.2 लीटर का इंजन भी है पेट्रोल के अंदर, और डीजल के अंदर इनके अंदर 1.4 लीटर का इंजन भी है। तो कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि अगर आपको ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों में से कोई भी चुनना है पेट्रोल के अंदर, फिर तो दोनों गाड़ियों में से कोई भी चुन लीजिए, आइदर नहीं तो डीजल के अंदर हमारे कोई ऑप्शन नहीं है ब्रेज़ा के पास। तो जिन मेरे जैसों ने जिन्होंने डीजल गाड़ी को चुनना है, जिनकी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो उनके लिए तो ये ब्रेज़ा वाला रास्ता बंद हो गया। अगर आपको चाहिए पेट्रोल गाड़ी तो उसके लिए हम बात करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं जो इसका नॉर्मल इंजन आता है, 1.2 लीटर वाला रेगुलर इंजन आता है जो वेन्यू के अंदर, उसके बाद बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसके 1.5 लीटर इंजन ब्रेज़ा के 1.0 लीटर के DCT और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाले इंजन के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ई वेरिएंट दोस्तों आता है वेन्यू का पेट्रोल में, 6,70,000 रुपये उसकी कीमत है, शुरुआती कीमत है, ब्रेज़ा के अंदर 7,34,000 रुपये का है वो। अब इसकी दोस्तों कंपैरिजन करना ज़रूरी है, क्योंकि कहने को तो ये इंजन काफ़ी छोटा है, रेगुलर इंजन है, एक अपनी छोटी एक कम कीमत की बजट की गाड़ी बनाने के लिए इन्होंने इंजन रखा है। दो ही इसमें वेरिएंट आते हैं जिसमें ऑटोमेटिक की सुविधा भी नहीं आती, मैं वेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो फिर भी इसका कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि सब कुछ है, डायमेंशन है, सब गाड़ी तो है ना, तो उसके हिसाब से कंपैरिजन करना बनता है। इंजन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, क्योंकि इंजन तो हमें पता ही है जहाँ पे है, फिर भी उसकी डिटेल कंपैरिजन करेंगे। कंफर्ट के अंदर देखें तो जहाँ पे हमें 64,000 रुपये कम देना पड़ रहा है वहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है, इसके अंदर रियर आर्म रेस्ट हमें मिल जाता है, बैटरी सेवर मिलता है, और लेन चेंज इंडिकेटर इसमें मिल जाएगा इको कोटिंग के साथ। बट दोनों गाड़ियों के अंदर AC हीटर, पावर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन ब्रेज़ा के अंदर क्या खासियत है, ब्रेज़ा के अंदर पावर विंडो रियर में मिल जाती है, वेन्यू के अंदर सिर्फ फ्रंट की पावर विंडो मिलती है, वैनिटी मिरर मिल जाता है, पार्किंग रियर का रीडिंग लैंप मिल जाता है, फ्रंट कप होल्डर्स मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और कीलेस एंट्री, ये सारी सुविधाएं हमें बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। सेफ्टी अगर बात करें तो दोनों के पास ही ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स, दो एयरबैग्स, डे नाइट ORVMs, EBD, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड आइसोफिक्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं दोनों गाड़ियों के पास। लेकिन ब्रेज़ा के पास एक्स्ट्रा क्या है, ब्रेक असिस्ट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, और एंटरटेनमेंट के अंदर देखें तो एंटरटेनमेंट में वेन्यू के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रेज़ा के पास 2D का एक छोटा सा ऑडियो सिस्टम है जिसके अंदर की CD प्लेयर, FM, AM, रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स की सारी सुविधाएं उसमें मिल जाती हैं, यानी कि बेसिक से सारी सुविधाएं हमें मौजूद हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें इंटीरियर में तो टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, फैब्रिक सीट्स, ये सारा कुछ ही दोनों गाड़ियों के अंदर हमें मिल जाता है। एक्सटीरियर में देखें तो बाकी सारी चीज़ों के अलावा क्रोम ग्रिल मिल जाती है, पावर एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं हमें ब्रेज़ा के अंदर, कॉर्नरिंग हेडलाइट की सुविधा के साथ,
अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो दोस्तों टायर साइज़ में 195/65R15 टायर मिलते हैं हमें वेन्यू के अंदर, 205/60R16 टायर मिलते हैं हमें ब्रेज़ा के अंदर, यानी कि एक प्रोफाइल बड़े टायर मिलते हैं। माइलेज की बात करें तो 17.52 की क्लेम की जाती है वेन्यू के अंदर और 17 की माइलेज क्लेम की जाती है ब्रेज़ा के अंदर। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 45 लीटर का वेन्यू और 48 लीटर का ब्रेज़ा का है। इसके अंदर कोई ज़्यादा ये डील ब्रेकर चीज़ नहीं है क्योंकि माइलेज को कोई खास फर्क नहीं है इनका। तो अगर अब आऊँ दोस्तों मैं इंजन के ऊपर, तो रेगुलर इंजन जो आता है इसका 1.2 लीटर का MPI कापा इंजन इसको बोलते हैं। वहीं पे ब्रेज़ा का जो इंजन है K15 ब्रेज़ा में पेट्रोल इंजन सीरीज़ का गिना जाता है, 1197 cc का वेन्यू, 1462 cc का ब्रेज़ा में, यानी कि अच्छे खासे डिफरेंस के साथ ज़्यादा बड़ा पावरफुल इंजन ब्रेज़ा के पास मिलता है हमें। 82 BHP की पावर जनरेट करता है वेन्यू का और 103 BHP की पावर करता है जनरेट ब्रेज़ा का इंजन। 113 Nm की टॉक वेन्यू के इंजन की है और 138 Nm की टॉक ब्रेज़ा के इंजन की है। दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में मिल जाता है। अगर करूँ डायमेंशन की बात तो लेंथ के अंदर 3995 यानी कि सब 4 मीटर की दोनों ही कारें हैं। विड्थ की अगर बात करो 1770 वेन्यू और 1790 ब्रेज़ा है, 20 mm का फ़र्क है, यानी कि थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा हमें शोल्डर रूम में जब 3 पर्सन बैठे होंगे तो। 1605 हाइट है ब्रेज़ा की वेन्यू की और 1605 हाइट है वेन्यू की और 1640 हाइट है ब्रेज़ा की, यानी कि 35 mm ऊँची है ब्रेज़ा। व्हील बेस की बात करो तो दोनों गाड़ियों का व्हील बेस बराबर है, 2500 mm का दोनों का व्हील बेस है। अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो 350 लीटर का बूट स्पेस वेन्यू में है और 328 लीटर का 23 लीटर कम बूट स्पेस हमें मिलता है ब्रेज़ा के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इसके डायमेंशंस के हिसाब से, इसकी बात करूँ तो डायमेंशंस के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी गाड़ी वेन्यू, क्योंकि इसके अंदर हाइट कम है और व्हील बेस एक बराबर का है, तो थोड़ा सा राइड कंफर्ट ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से मिल पाएगा। हालांकि सस्पेंशन दोनों के अंदर ही हमें स्टिफ मिल पाता है। अब दोस्तों दूसरे इंजन से इसकी बात करके देखते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या उस कीमत के अंदर कौन सा इसका वेरिएंट ब्रेज़ा का आता है, उसमें क्या क्या खासियतें हैं वहाँ बात करते हैं। दोस्तों एस वेरिएंट आता है दोस्तों टर्बो में इसका 1.0 लीटर में, जो कि 840,000 रुपये का। VXI वेरिएंट हमें 835,000 रुपये पड़ता है, जो रेगुलर वही इंजन है जो 1.5 लीटर वाला इंजन है। वेन्यू क्या क्या खासियतों के साथ आती है हमारे, तो कंफर्ट के अंदर हमारे पास कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, सेंट्रल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज हमें मिल जाती है, लेकिन ब्रेज़ा कहीं चुप नहीं है, पीछे नहीं है। ब्रेज़ा के पास बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है, स्मार्ट एक्सेस कार्ड, इंजन स्टार स्टॉप की सुविधा, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी ब्रेज़ा के अंदर इसी कीमत के अंदर। उल्टा थोड़ी सी कीमत कम ही है, 11,000 रुपये कम देने पड़ते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो USB ब्लूटूथ ऑक्स और टूडिन ऑडियो सिस्टम 4 स्पीकर के साथ हमें दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। सेफ्टी के अंदर भी ब्रेक असिस्ट और फॉलो मी होम हेडलैम्प की सुविधाएँ प्लस मिल जाती हैं हमें ब्रेज़ा के पास। उसके अलावा दोस्तों क्या क्या खासियतें ब्रेज़ा में और मिल जाती हैं, रियर विंडो वाइपर, LED हेलोजन DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं ब्रेज़ा के अंदर, जबकि वेन्यू के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल हेडलैम्प ही मिल पाते हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें भी एक प्रोफाइल छोटे ही हैं, 195/65R15 वेन्यू में, 205/60R16 ब्रेज़ा के अंदर हमें मिल पाते हैं। माइलेज की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो माइलेज में मार खा जाती है ब्रेज़ा, क्योंकि छोटा इंजन है तो माइलेज ज़्यादा ही देगा। 18.27 की माइलेज ARI सर्टिफिकेट क्लेम की जाती है वेन्यू में, और ब्रेज़ा के अंदर 17 की माइलेज ही क्लेम की जाती है। 1.0 लीटर का GDI कापा इंजन है अब वेन्यू के अंदर, और ब्रेज़ा के अंदर वही K15 सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है। और अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो 998 cc का इंजन है वेन्यू का और 1462 cc का इंजन है ब्रेज़ा का। 118 BHP की पावर जनरेट होती है 998 cc के इंजन में वेन्यू में, और 103 BHP की पावर यानी कि -15 BHP क्लेम की जाती है ब्रेज़ा के अंदर। अगर बात करूँ 172 Nm की टॉक के साथ बेहतरीन टॉक जनरेट करती है, और वहाँ पे 138 Nm की टॉक ही रहती है, 34 Nm की टॉक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला फ़र्क हमें नज़र आ जाता है यहाँ पे। और अगर बात करूँ इसके सिलेंडर की तो 3 सिलेंडर इंजन है वेन्यू में और 4 सिलेंडर इंजन है ब्रेज़ा में, बट ये जो 3 और 4 सिलेंडर का डिफरेंस है ये हमें इतना खास पता नहीं लगता, क्योंकि हुंडई ने बड़े अच्छे तरीके से अपने NVH लेवल्स को मेंटेन करके रखा है। अब इसके बाद दोस्तों अगर बात करूँ इसके ऊपर के वेरिएंट की, तो टॉप वेरिएंट जो आता है इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन की सुविधा आती है 7 स्पीड की,
जो कि टॉप वेरिएंट हमें SX प्लस 11,50,000 का पड़ता है। वहीं पे टॉप वेरिएंट की बात करो तो ZXI प्लस डुअल टोन का हमें AGS वाला वर्जन 11,40,000 का पड़ता है। उसके अंदर दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंस है, जिसमें कि हमें क्या क्या अलग चीज़ें मिल जाती हैं वो हम बात करते हैं। कम्फर्ट के अंदर बात करें तो रियर AC वेंट मिल जाएंगे हमें वेन्यू के अंदर, बट ब्रेजा के पास बहुत कुछ है बताने को। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी, रियर कप होल्डर्स, रियर आर्म रेस्ट मिल जाएगा, 60-40 स्प्लिट हमारे पिछली सीट मिल जाएगी, जो कि एक बेहद ही कन्वीनियंट की चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं सेफ्टी के अंदर आऊँ तो सेफ्टी के अंदर भी कहीं बेहतर, कहीं आगे निकल जाती है वेन्यू, जहाँ पे अपने शुरू में स्टैंडर्ड वेरिएंट जो ब्रेक असिस्ट और फॉलो मी होम हेड लैंप लेके चलती है ब्रेजा, वहीं पे अगर हम देखें वेन्यू के टॉप वेरिएंट की तरफ जिसमें 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसमें क्या क्या मिल जाता है। सेफ्टी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। और सबसे बड़ी खासियत तो पीछे ही रह गई, सनरूफ भी मिल जाती है। लेकिन ब्रेजा के पास क्या है, रियर रेन सेंसिंग वाइपर, रियर विंडो वाइपर, रियर स्पॉयलर और इंजन ट्रांसमिशन में बोलो तो सब चीज़ों में पीछे फिजाड़ देती है, ड्रील ब्रेकर बन जाती है चीज़। वो क्या है कि 7 स्पीड का बेहतरीन लाजवाब मॉडर्न डुअल क्लच का ट्रांसमिशन मिल जाता है हमें वेन्यू के अंदर। वहीं पे अगर ब्रेजा में देखें तो 4 स्पीड का रेगुलर ऑटोमेटेड गियर शिफ्ट मिल जाता है, जो कि कहीं पे भी एडवांस नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है ये। और अगर मैं देखूं इनके जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले जो वर्जन आते हैं जिसके अंदर की सुविधाएं सारी हो जाती हैं, 10,95,000 रुपये का पड़ता है हमें डुअल टोन में SX ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.0 टर्बो वाला वेन्यू में, और ZXI प्लस डुअल टोन 9,98,000 रुपये का पड़ता है। लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाओं की कमी है जो कि हमें वेन्यू के अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपने थोड़े कम पैसे लगाने हैं, इनिशियली मैनुअल गाड़ी लेनी है रेगुलर चलने के लिए, कभी कभी इधर उधर जाना पड़ता है, तो आप फिर 1.2 लीटर वाला इंजन मत लीजिए, फिर आप ब्रेजा पे चाहिए। और अगर आपको चाहिए दोस्तों टॉप वेरिएंट या 9 लाख से ऊपर अगर पैसे लगाना चाहते हो, फिर तो 1.0 लीटर का इंजन हमें आपको 9 और 10 लाख के बीच में आपको 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन आपको मिल जाएगा वेन्यू का, जो कि कहीं भी पीछे छोड़ देता है, बहुत आराम से पीछे छोड़ देता है ब्रेजा को। अगर आप ड्राइव एंथुसियास्ट हैं, आपको चलाने का गाड़ी मज़ा आता है, रेगुलर गाड़ी ऑन रोड हाईवे पे ज़्यादा चलती है आपकी, तो फिर आप वेन्यू पे जाइए, जिसके अंदर की आपको काफ़ी सारी सुविधाएं के साथ साथ सेफ्टी के बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर कहीं ऑटोमेटिक की बात हो, वहाँ पे वो लाजवाब है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ 7 स्पीड का DCT मिल जाता है हमें ऑटोमेटिक। वहीं पे अगर ब्रेजा के पास आएँ तो ब्रेजा के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ब्रेजा के पास सिर्फ ब्रेक असिस्ट और फॉलो मी होम हेड लैंप जैसी चीज़ें अलग हैं सेफ्टी में। इधर रियर वाशर वाइपर LED DRLs वगैरह, तो ये चीज़ें तो मैं ज़्यादा इतनी डील ब्रेकर नहीं बोलता, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, हिल असिस्ट जैसी, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो हमें नज़र आता है, ये समझ आती है बात कि वेन्यू बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ब्रेजा के सामने। तो बताइएगा दोस्तों ये वर्डिक्ट आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।